स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीती? ए सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी, बी रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन, सी रोहन बोपन्ना और सिमोन बोलेली, डी मैट एबडेन और एंड्रिया वावासोरी। आंसर बी रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन। एक्सप्लेनेशन, रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप में एक टीम के रूप में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया। 43 साल की उम्र में बोपन्ना पुरुष युगल में विश्व नंबर एक रैंकिंग हासिल करने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। वह लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले चौथे भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है? ए विजय चौक नई दिल्ली, बी राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, सी इंडिया गेट नई दिल्ली, डी लाल किला दिल्ली। आंसर ए विजय चौक नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, 29 जनवरी 2024 को बीटिंग द रिट्रीट समारोह ने नई दिल्ली के विजय चौक पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित किया। संगीतमय प्रदर्शन में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के बैंड शामिल थे। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? ए जीतन राम मांझी, बी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेका, सी नीतीश कुमार, डी विजय कुमार चौधरी। आंसर सी नीतीश कुमार। एक्सप्लेनेशन, जदयू नेता नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनके साथ भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी CM की शपथ ली। अगला प्रश्न, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? ए रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, बी डोंकी, सी एनिमल, डी 12th फेल। आंसर डी 12th फेल। एक्सप्लेनेशन, विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म 12th फेल सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय का अवार्ड अपने नाम किया। ये फिल्म IPS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर आधारित है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल को मिला। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड रणबीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए दिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई? ए इम्फाल, बी शिलोंग, सी डिब्रूगढ़, डी गुवाहाटी। आंसर सी डिब्रूगढ़। एक्सप्लेनेशन, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने पूर्वोत्तर में पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव रखी। असम के डिब्रूगढ़ में 100 बिस्तरों वाले इस हॉस्पिटल की नींव रखी गई। इस हॉस्पिटल को लगभग 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 15 एकड़ भूमि पर तैयार किया जा रहा है।